आज हम आपको बताएंगे टोल्फा में आने वाले पैरालाइज डॉग्स के बारे में। टोल्फा में कई सारे बड़े डॉग और छोटे पपी पैरालाइज कंडीशन में आते हैं। इनके पैरालाइज होने का मेजर रीज़न होता है रोड एक्सीडेंट या किसी ने जानबूझकर चोट पहुंचाई हो। ऐसा होने पर इनकी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो जाती है और नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी फुल बॉडी या बॉडी का कुछ पार्ट पैरालाइज हो जाता है। ऐसे हालत में ये बेचारे बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं। इनका चलना तो दूर ही, अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाते। इनमें से कुछ तो इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होते हैं कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते, और हद से ज़्यादा दर्द में होने के कारण किसी पर विश्वास नहीं करते। हमें सबसे पहले इनका विश्वास जीतना ज़रूरी होता है। टोल्फा में इलाज के लिए आए लगभग 80 से 85% डॉग्स पैरालाइज से रिकवर हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में हम इनके ट्रीटमेंट का तो ध्यान रखते ही हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो भी डॉग अपने आप से फीड नहीं कर सकता उसे हाथों से फीड कराना, इन्हें नहलाना, एक्सरसाइज कराना, इनके साथ ग्राउंड में वक्त बिताना, इन्हें चलने के लिए मोटिवेट करना। इनमें से कुछ की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है कि ये अपने आप से यूरिन भी नहीं कर सकते। इसमें हमारी टीम इनकी हेल्प करती है। और फिजियो देना, जो कि इनके रिकवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी इनके रिकवरी का 60 से 70% पार्ट होता है। टोल्फा में रिसोर्सेज की कमी है, जैसे कि फूड, मेडिसिन, मनी। इन सब की कमी के बावजूद टोल्फा हर तरीके से कोशिश करता है कि टोल्फा के पास आया हुआ हर पैरालाइज डॉग एक दिन चल सके। इस काम में टोल्फा अपना बेस्ट देती है। अगर पैरालाइज हुए डॉग को सही टाइम और सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो पहले की तरह चल सकता है। पर कुछ केस, जैसे कि सही टाइम पर ट्रीटमेंट और फिजियो नहीं मिलना, जिसकी वजह से स्पाइन एक जगह फिक्स हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में इन्हें अपनी बाकी लाइफ इसी दर्द में बितानी पड़ती है। ऐसे डॉग बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए टोल्फा उन्हें शेल्टर बना लेता है। पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हम सभी तक तो नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप टोल्फा बनिए और इन बेजुबानों की मदद कीजिए, या हमारे साथ जुड़कर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। टोल्फा ने अभी तक कई सारे मासूमों को नई जिंदगी दी है। ये सब करने में हमें काफ़ी रिसोर्सेज और मेडिसिन की नीड होती है, जो कि डोनेशन के थ्रू आता है। ये सब हमारी नीड के अकॉर्डिंग तो नहीं मिलता, फिर भी टोल्फा लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना बेस्ट देता है। आप इन मासूमों की हेल्प कर सकते हैं हमें डायरेक्ट रिसोर्सेज डोनेट करके,
या हमारे QR कोड को स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप हमें सोशल मीडिया पर सपोर्ट कीजिए, आप इस तरीके से भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। आपकी तरफ से दान दीजिए।